भगवान विष्णु के भक्त सारी दुनिया में फैले हुए और इसी तरह उनके मंदिर भी पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है कंबोडिया अंकोर वाट। इस मंदिर के भयानक रहस्य आज भी छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस मंदिर के रहस्यमय तथ्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो करीब 162.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। मेकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। इसकी दीवारों पर भारतीय धर्म ग्रंथ के प्रसंगों का चित्रण है। इन प्रसंगों में अप्सराएं बहुत सुंदर चित्रित की गई हैं। असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन का यह दृश्य भी दिखाया गया है। सनातन धर्म को मानने वाले इसे अपना पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं। 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्य वर्मादित्य ने अंगोकोर थोम में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। मंदिर की रक्षा इसके चारों तरफ बनी एक खाई करती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 700 फुट है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है, जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों में पूरी रामायण को चित्रण किया गया है। मंदिर को देखने के बाद समझ आता है कि अंगोकोर थोम जिस कुंभज देश की राजधानी था, उसमें विष्णु शिव शक्ति गणेश आदि देवताओं की पूजा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। इन मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है, वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ती है। अंगोकोर वाट के मंदिर तोरण द्वारों और विशिखरों के अलंकरण सभी में गुप्त कला प्रतिबिंबित है। मंदिर में एक अभिलेख से पता चलता है कि यशोधरपुर, जो अंगोकोर थोम का पूर्व नाम है, उसका संस्थापक नरेश यशोवर्मा अर्जुन और भीम जैसा वीर, सुश्रुत जैसा विद्वान तथा शिल्प भाषा लिपि और नृत्य कला में पारंगत था। उसने अंगोकोर थोम और अंगोकोर वाट के अतिरिक्त कंबुज के अनेक राज्य स्थानों में भी आश्रम स्थापित किए हैं, जहाँ रामायण महाभारत पुराण तथा अन्य भारतीय ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता था। अंकोर वाट के हिंदू मंदिर पर बाद में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और कालांतर में उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने निवास भी किया। खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य सूर्यवर्मन दित्य ने प्रारंभ किया, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं कर सके। मंदिर का कार्य उनके भांजे एवं उत्तराधिकार धरनी वर्मन के शासनकाल में संपूर्ण हुआ। मिस्र एवं मैक्सिको के स्टेप पिरामिडों की तरह यह सीढ़ी पर उठता गया है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। इसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर 190 मीटर चौड़ी खाई है। विद्वानों के अनुसार यह चोल वंश के मंदिरों से मिलता जुलता है। दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रंथालय के साथ ही इस मंदिर में 3 बिंथिया है, जिसमें अंदर वाली अधिक ऊंचाई पर है। मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट बलिन वामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण, रामायण से संबंध अनेक चित्र हैं। यहाँ के चित्रों में राम तथा रामकथा बहुत संक्षिप्त में है। इन शिला चित्रों की श्रृंखला रावण वध हेतु देवताओं द्वारा की गई आराधना से आरंभ होती है। उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। बालकांड की इन दो प्रमुख घटनाओं की प्रस्तुति के बाद विराट एवं कंबद वध का चित्रण हुआ है। एक और शिला चित्र में राम धनुष बांध लिए स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके उपरांत सुग्रीव से राम की मित्रता का दृश्य भी है। फिर बाली और सुग्रीव के द्वंद्व युद्ध का चित्रण भी किया गया है। परिवर्तित शिला चित्रों में अशोक वाटिका में हनुमान की उपस्थिति, राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी का दृश्य भी है। दोस्तों, कंबोडिया के इस रहस्यमय तथ्य के बारे में आपको कैसा लगा है? इस मंदिर में हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के कई सारे प्रूफ मिले हैं। तो आपको इस तथ्य को जानकर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी सनातन भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।